नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में स्वागत है आपका। मैं हूं अमर सिंह यादव। आपका जो ये रेडियंस का नया बुक आया है, इससे हम पढ़ा रहे हैं। और हाँ, ये पहला आपका संख्या पद्धति से पहला वीडियो है। 1 से 20 तक प्रश्न हैं। और हाँ, जितना ये है, जितने वीडियो बनेंगे सभी वीडियो बनाएंगे। नई बुक है, नया मसाला है। और हाँ, वीडियो छोड़ के मत जाइए और वीडियो रोक करके बनाइए। देखिए आप कितने तैयारी में हैं। तो पहला प्रश्न है, कहता है संख्या भैया 45, 36, 20 में 6 का स्थानीय मान। अब एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए स्थानीय मान की बात करते हैं तो ये 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से हमने कोई अंक ले लिए। अब स्थानीय मान की बात करता है, जो अंक जिस स्थान पर है उसकी वैल्यू उतनी होगी। जैसे मान लीजिए ये 8 है आपका, तो ये वाला 8 हमने ले लिया है तो इसका स्थानीय मान पूछता है। इसके बाद जितने अंक हैं उतने आप 0 लगा दीजिए। 4 अंक हैं, 4 0 लगा दिया हमने। अब अगर पूछे इस 8 का जाति मान क्या है, तो जाति मान या अंकित मान या अंकित मान कहता है तो ये 8 ही होगा। ये बात आपको समझ लेनी है। पहला प्रश्न कहता है कि 6 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए हमने क्या किया भैया, 6 लिख दिया ये। अब 6 के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, उतने जीरो हमने लगाने हैं। तो उसके बाद दो अंक हैं तो हमने जो 2 जीरो लगा दिया, यानी 600 इसका जो है स्थानीय मान होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए दूसरा नंबर कहता है जो है 43,219 में 2 का जाति मान क्या है। तो देखिए 2 जो है ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये तो 3 में है, ये वाला 2 है वो किस स्थान पर है, 200 के स्थान पर है। लेकिन हमें 200 से नहीं मतलब है, कहता है जाति मान। तो जाति मान क्या है, इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि ये जाति मान और अंकित मान की हमने बात आपको बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात आती है प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 कहता है 3 के जाति मानों का योग बताना है। 3 के जाति मानों का योग बताना है। तो भैया 3 का ये वाला जो 3, ये वाला 1 है और 1, 3 ये वाला है, 1, 3 ये वाला है, तो इनका जाति मान, तो जाति मान तो बदलता नहीं है। तो ये 3 हो गया, दूसरा ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो इनका योग पूछा है, जानते हो। तो इनका योग कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 में कहता है 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए हमने लिखा ये वाला 7 लिख लिया, उसके बाद कितने अंक हैं उतने 0 लगाएंगे। तो 2 और 2, 2, 4, 1, 5, तो 5 हमने क्या किया भैया, 0 लगा दिया। अब इस 7 की बात करता है तो इसके 7 बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 0 लगाएंगे, ठीक है, और ये 7 लिख लिया। और ये वाला 7 फिर इन 7ों के स्थानीय मानों का योग पूछा उसने है, तो हमने जोड़ दिया तो क्या हुआ जानते हो, 70,707। 70,707 कौन सा होगा, सी होगा। अब कहता है प्रश्न नंबर 5 में देखिए, कहता है 36,240 में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा। तो इसमें कहता है 5 नंबर में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का योग, तो हमने क्या किया, इसके बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। अब कहता है स्थानीय मान तो इसका 6,000 हो गया और जाति मान कितना होगा, इसका 6 होगा। तो बाबू एक काम करते हैं, इनका योग कर लेते हैं तो 6,600 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए बाबू क्या कहता है, कहता है प्रश्न नंबर 6 कहता है 5 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर, यानी अब की डिफ्रेंस पूछ लिया है। तो इसमें जो 5 का अंतर पूछा है, तो 5 ये हमने लिख लिया, 1, 2, 3 जीरो लगा दिया। अब कहता है इनका जो है जाति मान कितना होगा, 5 होगा, इनका डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस इनका कितना होगा, तो 4,995 डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, डी सही होगा। अब कहता है
प्रश्न नंबर 7 में जीरो का स्थानीय मान बताना है। तो बाबू प्रश्न नंबर 7 में जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो रहता है। किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या जीरो जिस स्थान पर होगा उसकी वैल्यू सिर्फ जीरो ही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब कहता है आठ नंबर में कहता है 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 9, तो 6 यहाँ पर हमने ये लिया, उसके बाद में कितने अंक हैं भैया, 4 अंक हैं, तो 4 अंक हमने 4 जीरो बढ़ा लिया। उसके बाद में इसका कहता है तो ये हुआ 9, इसके बाद में 2 जीरो हैं तो 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ाया। अब डिफरेंस की बात करता है तो डिफरेंस में इसके कितना होगा, तो 59,100 यानी अंतर इसका होगा 59,100। कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन नंबर जो है 59,100 ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है 3 और 2 के स्थानीय मानों का योगफल। प्रश्न नंबर 9 में 3, तो 3 हमने ये ले लिया, इसके बाद में देखिए क्या कहता है इसमें भैया जो है कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो हमने ये 3 अंक लिख लिया, तो ये 3 का स्थानीय मान हो गया। और किसका स्थानीय मान पूछता है, 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान ये वाला है। तो हमने क्या किया, 2 के बाद कितने स्थान हैं, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इनका अंतर कहता है तो 0 0 0, 10 से 3 का कितना बचा, 7, यानी 1,017,000 इसका होगा। अब इसका क्या कहता है, योगफल कहता है, तो 0 0 0 इसका योगफल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 में कहता है 5 और 0 के स्थानीय मानों का योगफल। तो इसमें देखिए 5 ये है, इसके बाद कितने जीरो हैं, 2 और 2 4 जीरो हैं, 2 और 2 4 जीरो हैं, फिर 0 का स्थानीय मान का योगफल बताता है, जोड़िए बाबू, तो यहाँ पर कितना होगा, 50,000 इसका होगा। तो 50,000 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योगफल। जितने बड़ी से बड़ी करे तो उतने बार 9 लिख देना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो 5 हमने 9 बार लिख दिया, फिर 4 जो है बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो हमने 4 लिख दिया। इनका योगफल कहता है तो 9 9 18 9 9 18 19 9 9 18 19 9 9 18 19, एक हासिल 10, यानी 10 99 98, कौन सी हो भैया इसमें होगी, 10 99 98, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने ले ली, 4 बार 9 लिखिया, 3 बार हमने जो है बड़ी से बड़ी संख्या लिया, और डिफरेंस पूछता है कितना बचेगा, 0 0, यानी 9,000 उसका जो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही बाबू होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने ले ली, छोटी से छोटी 5 अंकों की, 1 2 3 4 और 5, जब छोटी से छोटी कहे तो 1 5 अंकों की कहता है तो 1 लिख दीजिए, उसके बाद में 4 जीरो लगा देने हैं। अब कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हमने संख्या लिख ली, अब इनका योग करते हैं तो 9 9 9, तो क्या होगा इसमें, 19,999, तो 19,999 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या ले ली और 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का अंतर पूछता है। तो बाबू अंतर जो है क्या होता है, घटाना होता है, तो 99,899 कौन सी संख्या होगी, 99,899 कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 5,3,0,9 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए। तो 5,3,0,9 इनसे जो है सबसे
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी अंक का मतलब जो सबसे छोटा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? जीरो। लेकिन अगर हम जीरो पहले रख देते हैं तो उसका कोई मान नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तीन, उसके बाद में जीरो, फिर अब इससे बड़ा कौन सा है? पाँच, फिर उससे बड़ा कौन सा है? नौ। यानी 3059 वह संख्या होगी जो इन अंकों से बनेगी, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही होगा? तीन बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 कहता है 3.8.0.5.9 से बनने वाली पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? नौ बाबू, उसके बाद में आठ, फिर पाँच, फिर तीन, फिर जीरो। तो ये संख्या बनेगी 98,530। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए 4.3.9.6.2 के प्रयोग से बनाई जाने वाली पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? नौ, उसके बाद में छः, फिर चार, फिर तीन, फिर दो। यानी 96,432। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए 96,652 में 3 के स्थानीय मान 5 के जाति मान का गुणनफल क्या होगा? तो 96,652 में कहता है 3 के स्थानीय मान और 5 के जाति मान का गुणनफल। तो हमने क्या किया, 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? इसके बाद कितने जीरो हैं? 3 जीरो लगाने होंगे क्योंकि 3 अंक हैं। और जातिमान क्या होगा? जो अंक होता है 5, तो 5 × 3 = 15 और ये 3 जीरो, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 1500 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए 35,431 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल। तो 35,431 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल। तो सबसे पहले ये वाला 4 लेते हैं, उसके बाद में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। फिर ये वाला 4 लेते हैं, इसके बाद कितने अंक रह जाएंगे? 2 अंक रह जाएंगे। अब इनका योगफल कहता है, तो योगफल बाबू इनका करेंगे तो 44 यानी 4,400 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए संख्या 64,362 में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर। तो भैया 64,362 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर, तो यहाँ पर देखिए 6 लिख दिया, 2 और 2 4 जीरो हो गए, ठीक है। अब ये वाला 6 लिखते हैं, इसके बाद कितना अंक है? 1, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 0। 10 से 6 का कितना बचा? 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, और यहाँ कितना बचेगा? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों ये नई बुक है आपके लिए रेडियंस की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए। नए व्यूवर्स हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट आपको 21 से जो है मिलेगा, कितना 40 तक का, ठीक है। बहुत प्रश्न अच्छे हैं और बहुत अच्छी किताब है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।